नमामि शमीशान निर्वाण रूपम्। हे ईश्वर, एक और सुबह मेरी झोली में डालने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हर सूर्योदय एक नई उम्मीद और एक नया अवसर लेकर आता है। आज सुबह का सूरज बिल्कुल आप जैसा निकला है, वही खूबसूरती, वही नूर, वही गुरूर, वही सुरूर, और वही आपकी तरह हमसे बहुत दूर, बहुत दूर। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो मैं हमेशा की तरह एक नई उम्मीद और पॉजिटिविटी के साथ बिस्तर छोड़ती हूँ। हर दिन इस तरह जीती हूँ जैसे कि आखिरी हो, और मैं हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपना दिन गुजारती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी किचन में आ चुकी हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नींबू पानी और शहद मैं पीती हूँ, तो आज फ्रिज में नींबू नहीं था, तो मैं लेने जाऊँगी, तो इसकी जगह मैं आंवला का जूस पीऊँगी। तो यहाँ मैंने 2 से 3 आंवले मिक्सर जार में डालकर उसको छोटा पीस कर लिया था, और इसको मैं पानी के साथ ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। पहले थोड़ा सा ऐसे ही चला लेती हूँ, फिर उसके बाद पानी डालती हूँ, तो फिर अच्छे से पिस जाता है। बिल्कुल महीन होना चाहिए ये। और आंवला तो बहुत ही अच्छा होता है, आयुर्वेद में इसको अमृत फल कहा जाता है। तो यहाँ ये तैयार है, मैं पीऊँगी अभी यहाँ बैठ कर। इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रखता है आंवले का जूस। बहुत टेस्ट में कसैला होता है, पर मैं पी लेती हूँ फिर भी। पर पीने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग फील होता है एकदम से। तो ये जूस पीने के बाद मैं अपनी बालकनी में वही रोज़ का काम, अपनी चिड़ियों के लिए, गिलहरियों के लिए यहाँ फ्रूट्स रखे हैं। एप्पल था, मैंगो था, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। गुलाब ये सूखने लगे हैं, अभी काफ़ी दिन हो गए खिले हुए। और देखिए यहाँ उनका जैसे ही भोजन पानी आता है, तो ये मेरी बुलबुल रानी यहाँ पर आ चुकी है, और देखो कैसे खा रही है जल्दी जल्दी। और इसके पीछे ही मेरी गूगल गिलहरी भी आ गई है। कितनी प्यारी लगती है, सच में मन खुश हो जाता है मेरा। और अब मेरा सुबह बनेगा ब्रेकफास्ट। तो आज है क्या कि मैं झटपट वाला, कम टाइम में बनने वाला ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर छुट्टी कर गई है, तो बहुत सारा काम पड़ा है। देखिए ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो ये सभी मुझे धोना है। तो कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, छुट्टी ले सकती है। वैसे महीने में 4 से 5 छुट्टी कर देती है वो, पर चलता है। तो चलिए यहाँ मैं बर्तन धोती हूँ। और उनके घरों में भी समस्याएं होती हैं, उन्हें भी टाइम चाहिए होता है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। आज उसने सुबह ही बताया था कि मैं दीदी छुट्टी लूँगी, तो मैंने कहा ठीक है चलो, आज तो फिर सारा काम मुझे करना है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, सब कुछ साफ सफाई। तो एक तरह से तो ठीक ही रहता है कि छुट्टी कट जाती है। तो ये देखिए छन्नी होती है, छन्नी वगैरह, और ये बर्तन के नीचे ना वो बहुत अच्छे से साफ़ नहीं करती है। तो जब भी छुट्टी ले जाती है, तो मैं अच्छे से बर्तन सारे क्लीन करती हूँ, पीछे से भी अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको एकदम चमका देती हूँ। क्योंकि ये लोग तो काम थोड़ा सा ऐसे ही करते हैं, उनके कई घरों में काम करना होता है, जल्दी जल्दी फटाफट काम कर जाती हैं। तो यहाँ ये मैंने सिंक के ऊपर साफ़ कर लिया था, यहाँ धोकर मैं बर्तन पहले रखूँगी,
उसके बाद जब थोड़ा सा पानी निकल जाता है उसके बाद ऊपर में स्टैंड में रखती हूँ बर्तन के पोंछ कर। और ये साथ के साथ मैंने दूध में ओट्स चढ़ा दिया था, उसको बीच बीच में चलाना पड़ता है क्योंकि जिस बर्तन में दूध था स्टील का होता है तो उसमें थोड़ा लगने का चांस रहता है, इसलिए बीच में चला रही थी मैं। और ये बर्तन यहाँ हो चुके हैं, मैंने सारा क्लीन कर दिया है सिंक। और ये जो स्क्रबर होते हैं इसको भी मैं गर्म पानी से एकदम साफ़ करती हूँ, उसमें साबुन डाल के रख देती हूँ। तो अभी ये बर्तन में लगा रही हूँ पोंछ कर, यहाँ पर स्टैंड में लगा दूँगी। तो देखिए सारे दिन छोटे छोटे कितना काम होता है पर इनकी गिनती नहीं होती है, पर सारे दिन लगे रहो। अब बर्तन धोए तो बर्तन को लगाना भी है, वो भी एक काम ही होता है। ये सभी अपनी जगह पर, चाकू चम्मच छुरी सब। और ये यहाँ मैंने एक हैंगर लगा रखा है, डेली के जो कप्स होते हैं मग होते हैं वो मैं यहाँ पर हैंग करके रखती हूँ, तो वो नीचे नहीं रहते हैं, खाली रहती है स्लैब, तो अच्छा लगता है। और ये मेरा ओट्स बन रहा है, इसको मैं चला दिया है बीच में। तो यहाँ मेरा ओट्स बनके तैयार है, इसमें बनने में बहुत टाइम तो लगता नहीं है, दूध में बहुत जल्दी पक जाता है। तो ये बोल में मैंने निकाल लिया था, और आज मैं घर में अकेली हूँ एक्चुअली, तो बस मैंने अपने लिए ही बनाया है। ये चिया सीड था जो मैंने पानी में भिगो दिया। यहाँ मैं कुछ फ्रूट्स काटे हैं जिसमें मैंगो था, तो मैंगो का छिलका मैं इसमें, देखिए ये गुलाब बना रही हूँ। इसको पूरा एक कट में काटते हैं, टूटना नहीं चाहिए, फिर इसको फोल्ड करके गुलाब बन जाता है। तो ये यहाँ एप्पल मैंने काट लिया था, और ये बीच में जो आम के छिलके बनाया है गुलाब वो रख दिया है। और ये आम काटा है, ये अनार के दाने निकाले थे तो वो हैं। और ये ड्राइड वो है बेरीज होती हैं, वो है पैकेट में आती हैं, स्ट्रॉबेरी भी है इसमें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो ये इसमें ऐड करूँगी मिक्स करके, और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगता है और झटपट बनता भी है। तो इसमें मैं शुगर नहीं डालती हूँ, शुगर ऐड नहीं करती हूँ, तो और भी हेल्दी रहता ही है। तो ये इसमें एप्पल ऐड किया, मैंगो किया, और ये अनार के दाने, और ये चिया सीड्स है जो भिगा कर रख दिए थे। 5 मिनट में भीग जाता है, अच्छे से फूल जाता है, और ये भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और ये सारी वही थी बेरीज थी, किशमिश थी, कई मिक्स्ड होते हैं इसमें। तो ये बन गया है हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट, तैयार है बिल्कुल। अब मैं यहाँ खाऊँगी आराम से बैठ के। तो बहुत ही अच्छा बना था, ये फिनिश कर दिया मैंने। इसके बाद मैं फिर से आ गई, अपने काम पर लग गई हूँ, और यहाँ मैं डस्टिंग करूँगी ड्रेसिंग टेबल की, साइड टेबल है, बेड है, सारा जितना भी है घर में फर्नीचर उसका डस्टिंग करती हूँ डेली। देखिए होता क्या, अगर आप एक भी दिन छोड़ देंगे ना तो गंदा लगने लगता है दूसरे दिन। यहाँ ये साइड टेबल पर लैंप रखे हुए हैं, ये मैंने बंजारा मार्केट से लिए थे, बहुत ही अच्छे हैं, और रात को मैं जलाती हूँ जब मैं पढ़ती हूँ। और ये साइड में मेरी बेटी की फ़ोटो है, बचपन की फ़ोटो। और ये बेड है, उसका क्लीन कर रही हूँ, सारा डस्टिंग हो गई है, यहाँ सामान अपनी जगह पर लगा देती हूँ। ये दूसरा साइड था बेड का, दोनों साइड में ये लैंप रखा हुआ है, और एक साइड मेरी बेटी की फ़ोटो है और ये दूसरे साइड मेरे बेटे की है, दोनों की बचपन की फ़ोटो हैं। तो आगे मैं बताऊंगी ब्लॉग में वो बच्चे मेरे क्या करते हैं, दोनों बाहर हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। और यहाँ लंच की तैयारी थी, तो मैं यहाँ बैगन भून रही हूँ, भरता बनाने का आज सोचा है। तो 2 बैगन थे घर में रखे हुए, तो मैंने सोचा चलो भरता बनाती हूँ, और साथ के साथ जो ब्रेकफास्ट में हुए थे बर्तन उसको भी धो लेती हूँ, क्योंकि आज वो हेल्पर आने वाली तो है नहीं, तो बर्तन फिर छोड़कर कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं।
तो काम बढ़ता ही है और सिंक भी गंदा अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर ये बर्तन धो के रख देती हूँ। अगर काम को टाला ना जाए, उसी टाइम कर लिया जाए, तो काम नहीं बढ़ता है, फिर ज़्यादा भी नहीं लगता। जितना आप आलस में छोड़ते जाएंगे ना, तो काम बढ़ता ही जाता है। फिर एक साथ मैं कर देती हूँ, 2 बजे तक या 3 बजे तक जब भी मेरा काम हो जाता है, फिर मैं अच्छे से आराम करती हूँ, फिर कुछ काम नहीं करती। ऐसा नहीं कि फिर मैं सारे दिन ही लगी रहूँ, एक टाइम होता है, उसी टाइम तक मैं करती हूँ। ये देखिए बैगन यहाँ भुन चुका था। इसके बाद मैं अपने झाड़ू पर आ गई हूँ, झाड़ू लगाऊँगी पूरे घर में। तो ये ड्राइंग रूम से शुरू की थी मैंने झाड़ू लगाना। तो अभी बारिश का मौसम है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है फर्श पर भी, लेकिन फिर भी क्लीन तो करना ही होता है। तो मैं यहाँ सीधे तीनों रूम से लेकर किचन से जाके बालकनी में बाहर करती हूँ, क्योंकि किचन के बालकनी में ही डस्टबिन रखा हुआ है, तो उधर ही सारा कचरा करके इकट्ठा करके फेंक देती हूँ और बाहर रख देती हूँ, जो सोसाइटी में ले जाता है। यहाँ मैं पोछा भी लगाने के लिए पोछे में पानी डाला है और ये लाइज़ोल डालकर पोछा भी लगाऊँगी। तो मैं वैसे बैठकर पोंछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आदत में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लगा सकती हूँ पर बहुत टाइम लगता है उसमें, और वही है कि आदत में नहीं रहा, तो मैं इससे स्टिक वाले पोंछे से ही लगाती हूँ। तो इससे आसानी से लग जाता है, बल्कि ये सोफ़े के नीचे भी अच्छे से पहुँच जाता है पूरा, तो साफ़ सफाई हो जाती है। और ये 3 बेडरूम का है हमारा घर, रेंटेड ही है, पर किसी दिन मैं पूरा होम टूर दूंगी अच्छे से इसका। तो अभी तो आपको मैंने अपना ही बेडरूम और ड्राइंग रूम किचन ही दिखाया है। 2 रूम और हैं, जिसमें मैंने एक को पूजा रूम बना रखा है और एक मेरा गेस्ट रूम, मान लीजिए कुछ भी एक एक्स्ट्रा है रूम। बच्चों का रूम है एक्चुअली वो, जब बच्चे आते हैं तो फिर उसमें रहते हैं या मेरे साथ रहते हैं, वो जैसी भी मर्ज़ी होती है जिसकी जहाँ। तो यहाँ देखिए ये पोछा लग गया था। और अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, दाल यहाँ चढ़ा दिया। नहाने से पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, सिंपल उसको करके जाती हूँ, तो तब तक दाल बन जाती है। बैगन भी यहाँ भून चुका था। अच्छा, बैगन भूनने के बाद ना, जो ये सबसे बुरा हाल होता है ना गैस का, गैस चूल्हा कितना गंदा हो जाता है, इसको भी मैं तुरंत ही निकाल देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ तो अच्छा रहता, नहीं तो ये बहुत ही जम जाता है, इसके निशान मुश्किल से छूटते हैं। और ये मेरी स्टील की चूल्हा है गैस, तो इसको बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं कर सकते हैं, बहुत आराम से साफ़ करना होता। बैगन को भी मैंने छील दिया था यहाँ पर दोनों, और बैगन को भूनने से पहले उस पर तेल लगा लीजिए तो आसानी से छिल जाता है। और ये मैंने यहाँ पर गैस साफ़ कर दी थी, फिर मैं नहा कर यहाँ आ चुकी थी। तो मैं यहाँ पर नहा के आ चुकी हूँ और मैंने आज हेयर वॉश कर लिया है, गंदे हो जाते हैं आजकल बरसात में काफ़ी बाल। और काफ़ी काम मेरा सुबह का हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन और डस्टिंग वगैरह हो गई है, ब्रेकफास्ट हो गया था सुबह, किचन की क्लीनिंग हो गई है सारी, और कपड़े भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं डेली के जो होते हैं। और आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई थी, तो काफ़ी काम बढ़ गया था। तो नहाने के बाद मेरा काम रहता है पूजा का। पूजा मैं करती हूँ रोज़, लेकिन मैं वीडियो या शूट बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता पूजा करते टाइम थोड़ा सा ये शूटिंग करना। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आज लिया है, और मैं पूजा में डेली कुछ ना कुछ शिव का
स्तोत्र या पाठ करती हूँ। स्तोत्रम जो होते हैं शिव के मंत्र, वो मैं पढ़ती हूँ। आज मैं शिव का रुद्राष्टकम पढ़ रही हूँ, जो आप लोग भी सुनिएगा, थोड़ा सा पढ़ा है। ओम नमः शिवाय, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फ्रन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं ब्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। तो यहाँ पर मैंने पूरा नहीं सुनाया है, लंबी हो जाती क्लिप, कभी मैं आगे सुनाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए अब मैं किचन में चलती हूँ, खाना की तैयारी। और ये दूध मैं रख रही हूँ फ्रिज में, सुबह जो मैं दूध गर्म आता है ना, गर्म करके रख देती हूँ जब चाय बनती है सुबह की। तो यहाँ पर मैं प्याज लहसुन भी लेकर आ गई थी भरता बनाने के लिए, और ये जूड़ा लगा लिया है क्योंकि बाल खुले हुए हैं, खाना बनाते टाइम जूड़ा लगा लेती हूँ। प्याज लहसुन यहाँ अदरक हरी मिर्ची काट ली है मैंने भरते के लिए, और ये कढ़ाई चढ़ा दी है। सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ, बैगन वैसे भी भरता या बैगन की कोई सब्ज़ी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। तो उसको अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए, फिर उसको बंद करके फिर से जलाइए तो ठीक रहता है, उसमें जो एक झाल होती है वो नहीं आती है सरसों के तेल की। तो इसमें मैं सबसे पहले जीरा डालूँगी और फिर ये जो काट के रखा था प्याज लहसुन हरी मिर्ची अदरक सब कुछ है इसमें, वो मैंने डाल दिया है। इसको भून लूँगी, सिम आँच पे ही भूनती हूँ मैं। और ये टमाटर है, दो टमाटर मैं इस तरह कंटेनर में रखती हूँ जिसमें नीचे टिश्यू पेपर बिछा देती हूँ, जिससे ये बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होते हैं। वैसे भी आजकल टमाटर कितना महंगा हो रखा है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको सही से चलाना पड़ता है। तो इस तरह आप भी रखेंगे तो ये 15-20 दिन भी चलता है टमाटर अगर। और ये देखिए यहाँ पर क्लिप पता नहीं इस तरह कैसे ख़राब हो जाती है, अगर आप लोगों को पता हो उसका रीज़न तो बताइएगा प्लीज़। तो यहाँ बैगन को मैं देख रही थी कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो, तो नहीं था, साफ़ था एकदम बैगन। तो अभी इसमें मैंने हरी मिर्ची और डाली है, हरी मिर्ची अच्छी लगती है क्योंकि मैं लाल मिर्ची इसमें कम खाती हूँ। और ये जो मसालदान में है भी वो कश्मीरी वाली है जो तीखी नहीं होती है। और प्याज भुनने के बाद, मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। और अब इसमें नमक डालूंगी, नमक डालकर इसको ढककर पकने दूंगी। टमाटर जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद ये जो हमारा मैश किया हुआ बैंगन है वो इसमें ऐड करूंगी। वैसे तो सभी लोग भरता बनाते ही हैं, वही सिंपल सी है रेसिपी, पर फिर भी कई लोगों का कुछ अलग होता है तरीका, तो मैं इसलिए यहाँ शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने बैगन इसमें ऐड कर दिया है।
इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये अच्छे से जब बैंगन के अंदर मसाला चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब तक इसको पकाना है। तो थोड़ी देर ढक दूँगी इसको, ढककर मैंने इसको पकने दिया है। और साथ के साथ मैं ये प्लेटफॉर्म भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि साथ में काम कर लो तो फैलता नहीं है, तो मेरा ये चलता रहता है पूरा। हम लेडीज़ ना मल्टीटास्किंग होती हैं, सच में घर में कितना काम संभालती हैं। तो ये प्राउड फील करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम होम मेकर हैं तो कुछ करती नहीं, बहुत काम होते हैं। अगर यही काम नहीं किया जाए तो सोचिए कैसा घर का हाल हो, कितना फैला हुआ घर हो अगर कोई नहीं संभाले कुछ। क्योंकि नहीं करना अगर काम तो नहीं भी कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। घर में अगर आपको रहना है तो अच्छा दिखना चाहिए, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, हेल्दी खाना ज़रूरी है, आप अपने लिए भी टाइम निकालिए, वो भी ज़रूरी है। और मैं अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काम में लगी रहूँ, मैं बिल्कुल हर तरह से अपना ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ मैं आटा भी गूंद रही हूँ, थोड़ा सा आटा गूंदना था, लेकिन फिर भी एक या दो रोटी का आटा तो नहीं गूंदा जाता है, बहुत ही थोड़ा सा हो जाता है। तो शाम के लिए भी हो जाएगा इसमें, और अभी दिन में रोटी बन जाएगी। एक रोटी मैं खाती हूँ, चावल होता है, तो भरता भी ये ज़्यादा ही था, दो बैंगन पड़े हुए थे, अब एक बैंगन का क्या बनाना था, तो दोनों मैंने कर लिया था। तो भरता यहाँ पर रेडी है ऑलमोस्ट। और ये मैं दाल में छौंक लगा रही हूँ, अरहर की दाल थी, ज़्यादातर अरहर की ही दाल बनती है, सबको पसंद भी है मेरे यहाँ। तो ये हींग जीरे का और लाल मिर्ची का सिंपल सा छौंक था, प्लेन घी में, देसी घी में। तो हमारी यहाँ थाली तैयार है, जिसमें दही है, सैलेड है, चावल, भरता, दाल और रोटी। तो चलिए मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो लंच खाने के बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई थी, तो थोड़ी देर में पढ़ती लिखती हूँ, उसके बाद मैं फिर आराम करने अब जाऊँगी। तो थोड़ा अंधेरा पर्दा कर देती हूँ और मैं सो गई थी इसके बाद। फिर जब मैं उठी हूँ शाम को, तो फिर थोड़ा लगा कि कुछ खाया जाए, क्योंकि शाम को मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो फिर ये भुने चने मैंने निकाले, वो खाए थे। इसके बाद मैं निकल जाती हूँ नीचे वॉक पर, तो यहाँ शूज़ पहन लिए थे और ये लिफ्ट में बुला रही हूँ अपनी। तो लिफ्ट आ चुकी है हमारी। मैं ये पानी की बोतल लेकर जाती हूँ, क्योंकि प्यास लगती है और मैं अच्छे से वॉक करती हूँ 1.5 से 2 घंटे, तो पानी ले जाती हूँ वहाँ पर। तो अब मैं यहाँ वॉक करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने सजेशन भी दीजिएगा कि मैं कहाँ पर खामियाँ हैं, क्या मुझे और करना चाहिए, किस तरह बनाना चाहिए, किस तरह फ़ोटोग्राफी में इम्प्रूव करना चाहिए। इसके बाद मैं आई थी घर पर, तो ये मैं पराठा एक बनाया था, और वो जो दिन का भरता रखा था तो बस वही खाया था। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, तो आगे मैं और अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो मन करता है बनाने का। अभी तो मेरे कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं है, लगता है एक भी, दो भी, तीन भी बढ़ते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। और यहाँ देखिए, मैंने रात में ना खाना खाने से पहले मूंग की दाल डाल दी थी, कल मैं मूंग की दाल का चीला बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, और ये भी काफ़ी हेल्दी होता है, जो कि मैं कल की ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो यहाँ मैंने मूंग की दाल डाल दी थी, और ये मैं अपना डिनर कर रही हूँ। डिनर करने के बाद मैं सोऊंगी, आराम करूंगी, थोड़ी देर मोबाइल चलाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक